सीएमआर कॉलेज के लेक्चरर, पत्रकारिता के भी प्रोफेसर है और जनसंवाद संचार विभाग को भी देखते हैं श्री ललित झा जी। इन्होंने काफी बातें कही, बच्चों ने भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया। 11वीं में ही एनसीईआरटी में एक चैप्टर आया है संविधान, थोड़ा हिस्सा उसका 12वीं में है। हमने उसमें संविधान सभा के बैठक की बात की। संविधान सभा के बैठक में जितने कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज थे, विवादास्पद जो मुद्दे थे, उसमें सबसे बड़ा वो मुद्दा जिसने सबसे ज्यादा समय लिया, वो संभवतः भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा का चयन था नहीं, और राष्ट्रभाषा के रूप में भाषा का चयन था, आखिर ऐसे हालात आए क्यों, भाषा के रूप में ऐसी चीजें आई क्यों। एक तरफ हमारे बहुत पौराणिक काल में ही लोगों ने लिख दिया कि येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य। कि मतलब न आप में विद्या है, न ज्ञान है, न दान है, न साहित्य है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विनाशी न, ये सब पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां कोई मैंने गढ़ी है ऐसी बात नहीं है, ये सब बहुत प्राचीन पंक्तियां हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, इन तीन शब्दों को गौर करें कि आपको लिटरेचर पता हो, म्यूजिक पता हो, या फिर कोई और आर्ट आपको आता हो, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। नालंदा यूनिवर्सिटी के एंशियंट सिलेबस को देखिए आप, हैंडीक्राफ्ट्स जिसको हस्तकला कहते हैं, शायद गांव के विद्यालय में झाड़ू बहाड़ू वगैरह भी कहा जाता है। आज हम कहाँ है उस तरफ, आज हम उस तरफ नहीं है। उस तरफ नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने परंपरा से, रीति रिवाजों से, अपनी भाषा से, देसी भाषा से दूर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कुछ सीखना बुरी बात है, लेकिन मैथमेटिक्स में आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनाते होंगे, हार्डर फैक्टर्स वगैरह, तो एक होता है कि आप लेफ्ट साइड में दो जोड़ते हैं और दाहिने साइड में दो घटा देते हैं, तो बात तो बराबर होती है। एक तरफ आप दूसरी भाषा को सीख रहे हो और अपनी भाषा भूलते जा रहे हो, तो आप फिर अपने वैल्यूएशन को एनहांस कहां कर रहे हो, अपना मूल्य कहां बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप नया सीखिए, लेकिन जो पहले से आपके बाप दादा ने सिखाकर छोड़ा है उसको मत छोड़ो। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें वैदिक काल की काफी चर्चा है। वैदिक काल ऐतिहासिक प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बड़ा स्रोत है। अब उन चीजों के तह में जब आप जाइएगा या प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो सारा खेल शब्दावली का है। एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब कितना है आपके पास, हम आप जो बोलते हैं अगर उन्हीं शब्दों में परीक्षा में लिखते तो उतने अंक नहीं मिलेंगे। पढ़े लिखे लोग जब आपस में बात करते हैं तो शब्दावली अलग होती है। आज भाषाओं से बहुत गरीब हुए हैं हम, जबकि प्राचीन लोग कहते थे कि वचने किंग दरिद्रता, वचने किंग दरिद्रता, वाणी से क्या गरीब होना, वाणी से भी एपीएल मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास। लेकिन आज वही हाल, आपके पॉकेट में जितना बड़ा अमाउंट है, आपका पॉकेट साइज जितना मैक्सिमाइज है, शब्द से आप उतने बड़े गरीब। शब्द अभी भी उसके पास है जो विरल है, विकल है, निर्बल है, निसहाय है, उसके पास शब्द के बड़े बड़े जाल है। और उसमें हिंदी, हिंदी जितने आसानी से आपके करीब आके बैठेगी ना, आप समझ नहीं पाओगे। सूरदास जो बचपन से अंधे थे, जन्मांध कहते थे उनको, बॉर्न ब्लाइंड, और जाके देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, सूर्यदास को कौन सी जगह दी गई। एक बार सूर्यदास अंधे थे, कहीं जा रहे थे, अभी गड्ढे में गिर जाएंगे, तो भगवान बैठे हैं तो उनकी पत्नी बोलती है, देख वो तेरा डिवोटी है ना भक्त, वो देख अभी गड्ढे में गिर रहा है। तो भगवान तुरंत आते और सूर्यदास कैसे बांह पकड़ के, जिसे आप पहुंची कहते हैं हिंदी में, बांह पकड़ के ऐसे खींचे, तो एहसास हो जाता है सूर्यदास को कि मैं कहीं पे गिर रहा, अब गिरने वाला। कभी कभी दुर्घटना से आप बचते हो तो फिर भी फील हो जाता है कि कैसा होता नहीं, तो सूरदास को लगता है कि ना ये तो ईश्वर की स्पर्श है, ये ईश्वर का स्पर्श है। और वो सूरदास क्या करता ना, भगवान को कस के पकड़ लेता,
अब भगवान को लगता है कि अरे मन्ने छोड़ दे, लोग आ जाएंगे देख लेंगे, लेकिन सूरदास छोड़ ही नहीं रहा, नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान उसको ऐसे धकेल देते हैं। तो हिंदी का विद्वान व सूरदास बैठे बैठे दो पंक्ति करता है और कहता है, बाह ममोड़े जात है, कृष्ण को कह रहा है, बाह ममोड़े जात है अबल जान के मोड़, मैं कमजोर हूं ना, अंधा हूं ना, इसलिए मेरे बाह ममोड़ रहा है, बाह ममोड़े जात है अबल जान के मोड़, हृदय से जो जात है, ए कृष्ण हृदय से जो जात है मर्द सराहो तो, भगवान को लज्जा हो गई, भगवान को लज्जा हुई और भगवान लौट गए, बोले कि नहीं मैं इतना बड़ा मर्द नहीं कि तेरे हृदय से चले जाऊं, भाषा को यहां स्थापित करो। 11th के बच्चे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की एक बुक में आपने पहला चैप्टर पढ़ा, और इंग्लिश बिगन, और इंग्लिश हमने पढ़ा ना कि इंग्लिश द इंटरनेशनल लैंग्वेज स्टडी यूनिवर्सल लैंग्वेज इज यंगर देन इंडो यूरोपियन एंड इंडो एशियन लैंग्वेजेस। इंडो एशियन में कौन सा था? संस्कृत और पर्शियन। इंडो यूरोपियन में कौन था? लैटिन और ग्रीक। इन सब के बाद पैदा हुई इंग्लिश, और आज अंतरराष्ट्रीय भाषा बन के बैठी है। क्यों? इसलिए कि मैं के पैर में छुपे जाकर मौसी के चैर का, अंग्रेजी को मौसी का दर्जा दो, हिंदी मम्मी है, हिंदी क्या है,